हाय एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ टैक्सेस के बारे में। तो यहाँ पे हम लगभग 7-8 तरह की जो रिवॉर्ड्स, इनकम्स या क्रिप्टो करेंसीज के रिलेटेड जो भी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज हैं उनके बारे में आपको बताने वाला हूँ कि उनके ऊपर क्या क्या टैक्सेस लग सकते हैं, किस तरीके से टैक्सेस लग सकते हैं। अब टैक्स क्या है कि ये आपको देना बनता है अगर आप इंडियन एक्सचेंजेस यूज़ करते हो, तो वहाँ पे TDS वैसे ही कट जाता है। और TDS अगर कट गया तो उसका मतलब ये कि गवर्नमेंट के पास आपका डेटा जा चुका है और आप लायबल हो और आपको 30% टैक्स पे करना चाहिए। हालांकि वैसे भी हमें टैक्सेस पे करने ही चाहिए, टैक्स कभी अवॉइड नहीं करने चाहिए क्योंकि इसी को टैक्स की चोरी माना जाता है। लेकिन अगर हम फॉरेन एक्सचेंजेस यूज़ करते हैं तो वहाँ पे TDS नहीं करता, जिसकी वजह से हमारा डायरेक्ट डेटा नहीं जाता। अब इसका मतलब ये भी है कि हम TDS नहीं पे करना चाहते और हम टैक्सेस भी नहीं पे करना चाहते, क्योंकि अगर हम TDS की बात करें तो ये 1% है। हालांकि ये 0.01% के आसपास होना चाहिए, तो अभी ये एक्सेप्टेबल सा लगेगा कि हाँ पे करने के लिए रेडी है। और अगर हम प्रॉफिट्स के ऊपर टैक्सेस की बात करें तो 30% है, तो ये 30 पहली बात तो होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए क्योंकि प्रॉफिट तो होता ही नहीं है। लेकिन अगर है भी तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ स्लैब्स होनी चाहिए, 5%, 10% कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली 30% टैक्सेस हमें पे करने पड़े। तो इसी चीज़ को लेकर मैं आपको कुछ बताने वाला, जैसे कि आपके कुछ सवाल होंगे कि अगर एयर ड्रॉप आया है या फिर मैंने माइनिंग करी है या फिर स्टेकिंग रिवॉर्ड्स हैं तो उनके ऊपर टैक्सेस बनते हैं कि नहीं, क्योंकि वो भी एक तरीके से आपके रिवॉर्ड्स हैं, आपके प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट्स के ऊपर टैक्सेस देने बनते हैं अगर आप इंडिया में हैं। क्योंकि इंडिया में अभी क्या है कि ये लीगल वे बन चुका है टैक्सेस लेने का। हालांकि इनको क्रिप्टो करेंसीज को लीगल नहीं माना गया, इनको लीगल बनाया नहीं गया, लेकिन इनके ऊपर टैक्सेस ज़रूर लिए जाएंगे, ये निर्मला सीतारमण जी का कहना था। तो वीडियो इंट्रो में थोड़ा सा लंबा हो चुका है, लेकिन आगे मैं आपको बहुत ही जल्द सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा, शॉर्ट में ही डिस्कस करके आपको बता दूंगा। तो वीडियो अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो अभी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस हमेशा पहुँच रहे और आप कोई भी वीडियो कभी भी मिस ना करें। तो सबसे पहली चीज़, अगर हम लीगल वे से शुरू करें कि इनको टैक्सेस के अंडर लाने के लिए इन्होंने क्या किया, तो क्रिप्टो करेंसीज को वर्चुअल डिजिटल एसेट माना गया, यानी कि VDA का नाम दिया गया 2022 यूनियन बजट में, और तभी इनके ऊपर टैक्सेशन रूल्स लगाए गए। और अगर हम ITR फाइल करते हैं, अगर हम क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड करते हैं या फिर वैसे भी बाय करते हैं, तो इनके ऊपर टैक्सेस हमें देने ही पड़ेंगे। तो चाहे ये क्रिप्टो करेंसीज है, चाहे वो NFTs है, किसी भी तरह के टोकन्स हैं, तो ये सारे के सारे वर्चुअल डिजिटल एसेट माने जाते हैं। तो अगर किसी भी तरह का गेन होता है, किसी भी तरह की इनकम होती है, तो इसके ऊपर हमें टैक्सेस देने ही पड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आई है, वो आइए जानते हैं कि सेक्शन में क्या बताया गया। सेक्शन 115BBH ये सेक्शन दिया गया, जिसमें बताया गया कि जितने भी क्रिप्टो करेंसीज की परचेजेस, सेल्स, ट्रांजैक्शंस होती हैं उनके ऊपर 30% कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा प्रॉफिट्स के ऊपर। तो इसके ऊपर कोई भी प्रोविजन ऐसा नहीं दिया गया जिसमें क्या है कि आपके जो डिडक्शंस हैं वो हो पाए, यानी कि रिड्यूस्ड रेट्स इसके ऊपर नहीं दिए गए हैं। इसी के साथ अगर हम कैपिटल गेन टैक्स की बात करें, इसी के साथ साथ 1% आपका टैक्स भी डिडक्ट होता है जब भी आप क्रिप्टो एसेट्स को ट्रांसफ़र करते हैं। यहाँ पर ट्रांसफ़र के साथ साथ हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर हम एक क्रिप्टो करेंसी से दूसरी क्रिप्टो करेंसी बाय करते हैं, तो कोई भी ट्रांजैक्शन अगर 50,000 रुपये से ज़्यादा पहुँचती है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, आप खुद सोच लो कि एक फाइनेंशियल ईयर कितना लंबा होता है, 365 दिन के अंदर सिर्फ 50,000 की ट्रांजैक्शन अगर इतनी पहुँचती है, तो जो आपका TDS है वो रिफ्लेक्ट होगा 26 AS में। तो इसका मतलब ये भी है कि आपका जो TDS है वो क्लेम किया जा सकता है। लेकिन इसका मतलब एक और क्लियर वे में अगर मैं बताऊं, ये क्लेम कब होता है, जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो। अगर आप ITR फाइल ही नहीं करते तो आप इसको क्लेम भी नहीं कर पाएंगे। अब अगर आप क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड कर रहे हो, जब आप फाइल करोगे आप हर एक चीज़ सामने रखोगे कि मैंने इतने की क्रिप्टो करेंसी बाय करी, इतने में सेल करी, इसमें इतना प्रॉफिट था या फिर इतना लॉस था, और मैंने TDS इतना पे किया था। आपका ये जो भी टैक्सेस बनते हैं वो टैक्सेस तो आप पे कर ही रहे होंगे, उसके बदले में आप वापस TDS क्लेम मांगेंगे, यानी कि आप जो टैक्स पे कर रहे हैं उसमें से सिर्फ TDS माइनस ही होगा, आपका जो टोटल टैक्स है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्टली TDS मिल जाएगा, तो ये मिलने की बजाय आप जो अपना टैक्स देना चाह रहे हैं उसमें से थोड़ा टैक्स कम हो जाएगा जितना आप TDS पे करेंगे। अब यहाँ पर एक छोटी सी एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम यहाँ पे इथेरियम लेते हैं, मान लीजिए कि इथेरियम का रेट चल रहा है लगभग 1,00,000 का एक इथेरियम, और हमने मान लो यहाँ पे ले लिए 10 इथेरियम, तो 10 इथेरियम बने 10,00,000 के। और अगर हमने सोचा कि इसका रेट बढ़ चुका है, एंड उदाहरण के तौर पर हम मान लें कि वही 10 जो इथेरियम लिए थे उनकी वैल्यू जो पहले 10,00,000 थी अब ये 15,00,000 हो चुकी है, और हमने सोचा कि पूरे के पूरे इथेरियम हम अभी सेल कर देते हैं और जो 5,00,000 का हमें प्रॉफिट हो जाएगा। अब 5,00,000 का जो प्रॉफिट हुआ है इसके ऊपर सीधा सीधा 30% आप टैक्स काट लीजिए, जो बनता है 1,50,000, यानी कि 5,00,000 में से 1,50,000 आपको सरकार को देना होगा, उसमें से 3,50,000 आपका प्रॉफिट होगा।
तो इस तरीके से इतना बड़ा अमाउंट गवर्नमेंट के पास जाने वाला है अगर आप किसी भी तरह का प्रॉफिट अर्न करते हैं। अब हम फाइनली लिस्ट डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे 7-8 तरह की जो हमारे प्रॉफिट्स हो सकते हैं उसके ऊपर कैसे टैक्स लगते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है परचेजिंग क्रिप्टो करेंसीज, यानी कि अगर हम क्रिप्टो करेंसी को बाय करते हैं तो इसमें एक ही चीज़ का हमें फ़ायदा है, वो ये है कि अगर हम क्रिप्टो करेंसीज को इंडियन रुपी से बाय करते हैं तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर हम इनको सेल करते हैं तो टैक्स ऑब्वियसली लगता ही है, 1% का TDS कटता ही है। अब यहाँ पे ये कि अगर हम इसको पीर टू पीर के द्वारा बाय करते हैं तो 1% TDS लगेगा। इसी के साथ साथ अगर हम इसको किसी क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो करेंसी के द्वारा बाय करते हैं, यानी कि अगर आपने बिटकॉइन बाय करना है वो आपने USDT में बाय किया, तो आपका यहाँ पे 1% TDS लगेगा। तो ये TDS आपको देना ही पड़ेगा, यानी कि आप यहाँ पे कोई प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ बाइंग करने के ऊपर आपको 1% TDS देना पड़ता है। अब दूसरी चीज़ है कैपिटल गेन टैक्स, यानी कि अगर आपका प्रॉफिट होता है, जो हमने अभी एग्जांपल डिस्कस करी थी कि अगर आपका जितना कुछ भी प्रॉफिट होता है उसके ऊपर 30% टैक्स सीधा सीधा कट जाएगा। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ बिटकॉइन बाय किया या फिर ऑल्टकॉइंस बाय किया तभी ये टैक्स लगेगा, अगर आप स्टेबल कॉइन्स यानी कि USDT BUSD इस तरह के कॉइन्स में भी अगर आपका कुछ भी प्रॉफिट बनता है तो उसके ऊपर भी 30% टैक्स लगेगा ही। फॉर एग्जांपल अगर आपने USDT बाय किया 84 रुपीज़ में और आपने सेल कर दिया 87 में 89 रुपीज़ में, तो जो डिफरेंस होगा उसका आपको 30% टैक्स देना ही पड़ेगा। अब तीसरी तरह की चीज़ है, आपने यहाँ पे बाय कर लिया, प्रॉफिट अर्न कर लिया, तीसरी चीज़ है कि अगर आपने सिर्फ सेलिंग करनी है, अगर आपने क्रिप्टो करेंसी सेल करनी है और उसके बदले में आपने फिएट लेना है, फिएट मतलब INR लेना है या फिर कोई और क्रिप्टो करेंसी लेनी है, और क्रिप्टो करेंसी लेनी है तो ऑब्वियस सी बात है हमें खुद भी पता है कि 1% TDS देना ही पड़ेगा। लेकिन इसी के साथ अगर हम फिएट लेते हैं यानी कि रुपीस लेते हैं क्रिप्टो करेंसी के बदले में, तो हमें फिर भी 1% TDS देना ही पड़ेगा और 30% का टैक्स भी यहाँ पे लगेगा अगर हमें छोटा मोटा कुछ भी किसी भी तरह का प्रॉफिट हुआ है। अब यहाँ तक हमने सिर्फ बाइंग सेलिंग प्रॉफिट्स की बात करी, इसी के साथ छोटी मोटी और चीज़ें भी होती हैं, जैसे आप वॉलेट ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि अगर आप एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांसफ़र करते हैं अपनी क्रिप्टो करेंसीज को, लेकिन ध्यान देना ये मैं बात कर रहा हूँ अगर आपके खुद के अपने ही वॉलेट्स हैं, तो यहाँ पे क्या है कि जो ओनर हैं वो आप ही हैं, पहले वॉलेट के भी आप ही ओनर है, दूसरे वॉलेट के आप भी ओनर है, तो यहाँ पे हालांकि ये एक काइंड ऑफ ग्लिच भी बोल सकते हैं या फिर यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है कि हमें क्या पता या फिर गवर्नमेंट को क्या पता कि वो वॉलेट हमारा है या किसी और का है, लेकिन इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा अगर हम क्रिप्टोकरेंसीज अपनी ही ट्रांसफ़र अपने ही वॉलेट्स में कर रहे हैं तो टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन आगे आने वाले समय में अगर आपको क्लैरिटी देनी पड़ जाए तो अब आप फंस सकते हैं, यानी कि आपका TDS जो बनता है वो आपको देना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे वॉलेट्स की बात करें तो आपका ट्रस्ट वॉलेट हो सकता है, आपका मेटामास्क हो सकता है, इवन जो फॉरेन एक्सचेंजेस हैं बाइनेंस की बात करें तो वो भी एक तरीके से आपका वॉलेट ही है। तो यहाँ पे अगर आप अपने एक्सचेंज से अपनी एक्सचेंज के ऊपर ट्रांसफ़र करें तो टैक्स नहीं देना बनता, लेकिन वही अगर आप किसी और के वॉलेट में डाल रहे हैं, किसी और के एक्सचेंज में डाल रहे हैं, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी डाउट होते हैं हर किसी के कि अगर मुझे एयर ड्रॉप्स मिल रहे हैं या फिर फॉक्स की वजह से हमें कुछ हार्ड फॉक आता है उसकी वजह से हमें कुछ कॉइन्स मिल जाते हैं या फिर कॉइन्स ज़्यादा मिल जाते हैं, तो अगर आप उनको सेल करके एक प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, चाहे वो आपका एयर ड्रॉप है या फिर फॉक्स टोकन्स हैं, तो उसके ऊपर जो प्रॉफिट बनता है 30% आपको टैक्स फिर भी देना ही पड़ेगा। तो आपका एयर ड्रॉप किसी भी तरह का हो सकता है, चाहे वो आपका गिफ्ट ही क्यों ना हो, तब भी आपको टैक्स ये देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपके एयर ड्रॉप्स एंड गिफ्ट्स जो हैं वो 50,000 रुपये से कम हैं या फिर उससे नीचे हैं, तो फिर आपका जो टैक्स 30% का वो नहीं लगेगा। अब गिफ्ट से याद आया, यहाँ पे गिफ्टिंग या फिर डोनेटिंग क्रिप्टो करेंसीज ये भी आता है, यानी कि हम क्रिप्टो करेंसीज को डोनेट भी कर देते हैं आगे किसी और को भी दे देते हैं, वैसे ही दे देते हैं गिफ्ट के तौर पर, तो उसके ऊपर क्या टैक्सेस लगते हैं। तो यहाँ पे अगर 50,000 है या फिर उससे कम है अमाउंट तो ये टैक्स फ्री रहता है, लेकिन जैसे ही 50,000 से ऊपर जाएगा, और ये 50,000 बात करी जा रही है एक साल की फिस्कल ईयर की, इसके अंदर अगर 50,000 से ऊपर वैल्यू जाती है तो 30% टैक्स आपको देना ही पड़ेगा। तो जो भी इन गिफ्ट्स को रिसीव करता है या फिर क्रिप्टो करेंसीज को रिसीव करता है तो उसी को 30% टैक्स देना पड़ेगा, उसी को ये टैक्स देना बनता है, यानी कि जिसने सेंड किया उसको ये 30% टैक्स नहीं देना पड़ेगा, वो अपना दे के अपना फ्री हो जाएगा, लेकिन अगर आपके पास ये रिसीव हुआ है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब आखिर में बिल्कुल आखिरी चीज़ डिस्कस करें, अगर आप माइनिंग करते हैं या फिर बाइनेंस के ऊपर या फिर किसी भी एक्सचेंज के ऊपर, ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं डिफाई प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके ऊपर आप स्टेकिंग करते हैं, तो स्टेकिंग के ऊपर क्या कोई भी टैक्स लगता है या नहीं लगता, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो माइनिंग करके हमें क्या मिलते हैं, रिवॉर्ड्स, तो वो रिवॉर्ड्स भी एक तरीके से प्रॉफिट ही है, हालांकि हमारा खर्चा बहुत ज़्यादा होता है अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें या फिर और जितने भी एक्सपेंसेस हमारे आते हैं, ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो उन माइनर्स की बात करें तो खर्चा होता है, लेकिन जो भी हमारा प्रॉफिट बनता है उसके ऊपर 30% टैक्स देना ही पड़ेगा।
और इसी के साथ हमारे अगर स्टेकिंग के रिवॉर्ड्स हैं, स्टेकिंग के ऊपर भी 30% टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि किसी भी तरीके से आपका कोई भी प्रॉफिट बन रहा है तो ये टैक्स आपको देना ही पड़ेगा। ये मैं एक ही चीज़ बार बार पूरे वीडियो में बोल रहा हूँ। अब इन चीज़ों को थोड़ा एक्यूरेटली अगर आप टैक्स देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपसे गलती ना हो, तो आपको पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि आपने कितने पे बाय किया, किस डेट पे बाय किया, कितने पे सेल किया, कितना आपका प्रॉफिट हुआ या फिर कितना आपका लॉस हुआ, ताकि आप कभी भी गलती से ज़्यादा टैक्स ना दें। इसी के साथ आपको टैक्सेशन रूल्स हमेशा पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने अकाउंटेंट के साथ ज़रूर एक बार डिस्कस करें और हमेशा गेंस एंड लॉस जो भी चलते रहते हैं उनको कैलकुलेट करते रहें, एक प्रोफेशनल वे में करें, या आप खुद कर लें या फिर अपने अकाउंटेंट को बोलें। और अपने जो एयर ड्रॉप्स हैं वो आपने खुद बताने कि मुझे एयर ड्रॉप्स ये मिले हैं और इसके ऊपर मैं इतना टैक्स दे रहा हूं। अब इसी को लेकर कुछ लोग अगर सीरियस वे में टैक्स पे करना चाहते हैं तो उसके भी कुछ ऑप्शंस हैं, तो वो मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करने वाला। अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी तो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप टैक्सेस सही ढंग से पे करना चाहते हैं और आप नहीं चाहते कि कभी भी आप टैक्स की चोरी करें, तो आपको मैं पूरी सहायता कर दूंगा इस चीज़ को लेकर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक एंड शेयर उन्हीं के साथ जो क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड करते हैं, और उनको भी पता चले कि टैक्सेस देने बनते हैं और हर तरह का उनका भी डाउट क्लियर हो जाएगा। और प्लीज़ हमेशा सपोर्ट करते रहना ताकि मैं आप तक हमेशा ऐसी सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम पहुंचाता रहूं। और इसी के साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक बाकी वीडियोस भी हमेशा सबसे पहले पहुंचते रहें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।